यो मीना, वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे सक्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओडा सेंसे की कुछ मेजर प्लान्स के बारे में और वन पीस मांगा स्पिन ऑफ के बारे में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन पीस करंटली फाइनल सागा के एग हेड आइलैंड आर्क में पहुंच चुका है और फैंस काफी एक्साइटेड हैं कि स्टोरी अब कहां जाएगी। हर चैप्टर के आने पर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। फाइनल सागा की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से की है। एगहेड आइलैंड टाइम स्किप के बाद का बेस्ट आर्क में से एक है एंड ऑफ कोर्स वन पीस अभी कुछ और सालों तक कंटिन्यू रहने वाला है। वाइल ओडा सेंसे स्टोरी को जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, प्रोबेबली 5-6 साल तो लगेंगे उन्हें स्टोरी खत्म करने में, पर इवेंचुअली स्टोरी एक न एक दिन खत्म तो होगी। वन पीस एंड कैसे हो गए सोचने वाली बात तो है। वन पीस के एंड होने के बाद भी वन पीस स्पिन ऑफ के साथ चलता रहेगा, जिसको ओडा सेंसे ने खुद कन्फर्म किया है। वन पीस की एंडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है और साथ साथ थोड़े सैडनेस भी है, क्योंकि यार वन पीस और हमने इतना लंबा सफर तय किया है और एक दिन जब वो एंड होगा, जिस दिन उसका लास्ट एपिसोड AIR होगा, तो मतलब थोड़ा दुख तो होगा ही। फैंस जानना चाहते हैं कि इस मास्टरपीस को ओडा सेंसे कैसे एंड करेंगे। लूफी जो इस सीरीज का प्रोटोगोनिस्ट है, वो अपनी जर्नी में निकल चुका है वन पीस को ढूंढने के लिए और अब कुछ ही टाइम बचा है जब वो अपना ड्रीम अचीव कर लेगा। लूफी ऑलरेडी योंको बन चुका है और 3 रोड पॉनिग्लिफ को क्लेम कर चुका है आउट ऑफ 4, जिसका मतलब है वो बहुत क्लोज है वन पीस को ढूंढने के लिए। करंटली स्टोरी अपने फाइनल सागा में पहुंच चुकी है और ये प्रूफ है कि लूफी ने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कितना मेहनत की है और वो अपने ड्रीम के कितना क्लोज है। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि वन पीस जल्द ही खत्म होने वाला है। इनफैक्ट प्रीवियस सागा द एम्परर सागा अराउंड 8 ईयर्स तक चला था। एगहेड आइलैंड आर्क अभी चल ही रहा है और लाइकली ये कंटिन्यू होने वाला है और भी, और फिर उसके बाद कुछ मेजर आर्क्स भी हैं जैसे एल्बाफ आर्क एंड ऑफ कोर्स लूफी जब वन पीस को क्लेम करेगा और ग्रेट वॉर भी। वन पीस को अभी काफी साल लगेगा और फैंस 2029 से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एंड होगा। ओडा स्पिन ऑफ्स आफ्टर द एंड ऑफ वन पीस। जब वन पीस एंड होगा तब स्टोरी कंटिन्यू नहीं होगी सीक्वल मांगा के साथ। ऑफन फैंस ने काफी सारी शोनिन सीरीज देखी है जो काफी पॉपुलर है और उनके सीक्वल्स भी हैं, पर शायद ये वन पीस के साथ नहीं होने वाला है। शुएशा, जिन्होंने हमारे चैनल पर स्ट्राइक भी मारी थी, उनके एडिटर इन चीफ ने मेंशन किया था कि वो नहीं चाहते कि वन पीस हमेशा चलता रहे। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, गिवन दैट वन पीस कितना पैसे छाप चुका है और इसकी पॉपुलैरिटी भी कितनी बढ़ गई है। यहां तक कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज भी मैसिव सक्सेस रही है। कहते हैं कि लाइव एक्शन का कर्स ब्रेक किया है इस सीरीज ने। आइडियली लोग चाहते हैं कि वन पीस कंटिन्यू रहे, हाउएवर ऐसा नहीं हो सकता। वंस ओडा सेंसे फाइनल पैनल ड्रॉ कर देंगे स्टोरी का जो उन्होंने प्लान किया है तब से जब वो हाई स्कूल में थे, वन पीस विल नॉट कंटिन्यू एनीमोर। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिन ऑफ मांगाज नहीं होने वाली है सीरीज के लिए। वन पीस वर्ल्ड थोड़ा डाइवर्स है और अभी काफी सारी चीजें हैं ओडा सेंसे के लिखने के लिए। ओडा सेंसे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि उन्हें मजा आएगा स्पिन ऑफ मांगा को टैकल करने में। इवेंचुअली जो फोकस करेगा डिफरेंट कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर करेंगे वेरियस रिलेशनशिप्स को, जिससे फैंस बहुत खुश हैं कि उन्हें वन पीस कंटेंट देखने को मिलेगा आफ्टर द सीरीज एंड्स। वो वीकली भले ही नहीं होगा पर हमें कंटेंट देखने को मिलेगा। ये कंटेंट लाइकली तब पब्लिश होगा जब ओडा सेंसे कंफर्टेबल होंगे। गार्प स्पिन ऑफ। वन पीस के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक गार्प एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ओडा सेंसे स्पिन ऑफ ड्रॉ करना चाहते हैं, द हीरो ऑफ द मरीन। फैंस जानते हैं कि गार्प लूफी का ग्रैंडफादर है और सर्टेनली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। गार्प को सबसे पहले स्टोरी में ईस्ट ब्लू में दिखाया था और तभी से ये फैन फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। फैंस नो कि गार्प एक इनक्रेडिबल मरीन है, पर हमें गार्प के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है अदर देन उसकी लेजेंड कहानियों के बारे में जो हमने सिर्फ सुनी है। हमें ये पता है कि गार्प रॉजर का राइवल रह चुका है जो रॉजर को कई बार टक्कर दे चुका है। गार्प खुद की सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव करता है, इवन दो उसे पता है कि उसके ऊपर के बंदे करप्ट हैं। वो नेक्स्ट जनरेशन के मरीन को ट्रेन करना चाहता है ताकि उनमें सेंस ऑफ जस्टिस बढ़ सके। गार्प हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। ओडा सेंसे ने मेंशन किया है कि वो गार्प रिलेशनशिप्स यंगर मरीन के साथ जैसे कोबी, अकाइनो कुजान, हेलमेपो, ताशिगी एटसेट्रा के साथ कैसे हैं उनमें फोकस करना चाहते हैं। ओडा सेंसे ने यह भी मेंशन किया है कि वो गार्प और साइपरफोल के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमने ये मांगा और एनिमे में नहीं देखा है। ही ऑल्सो मेंशन कि वो गार्प और रॉजर के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। हाउएवर हमें पता है कि वो एनिमीज थे पर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। उनके रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत मांगा में दिखा चुके हैं पर स्पिन ऑफ में इन दोनों के रिलेशनशिप को देखना और भी परफेक्ट होगा। रिवॉल्यूशनरी आर्मी स्पिन ऑफ। अनदर कैरेक्टर लाइक ड्रैगन जिसके बारे में ओडा सेंसे स्पिन ऑफ में लिखना पसंद करेंगे। एज ही ऑलरेडी मेंशन दैट रीडर्स को पता है कि ड्रैगन रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर है जो खुद को अपने दम पर बिल्ड किया है और इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है। एज अ फॉर्मर मरीन ओडा बिलीव्स कि ड्रैगन एक अमेजिंग कैरेक्टर है एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर्चुनेटली गिवन दैट कि वन पीस सीरीज स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में ही फोकस करता है,
इसलिए फैंस रिवॉल्यूशनरी आर्मी की ग्रोथ नहीं देख पाए हैं। एक स्पिन ऑफ मांगा इसके ऊपर परफेक्ट रहेगी, और फैन टू सी ड्रैगन की लाइफ और क्यों उसने डिसीजन लिए जो वो कर रहा है, और वो कितना स्ट्रांग था तब और अब कितना स्ट्रांग है। ऑफकोर्स ओडा सेंसे के माइंड में और भी स्पिन ऑफ्स हैं और फैंस को वो देखने को मिलेगा। फॉर नाउ फाइनल सागा में फोकस करते हैं जैसे वो कंटिन्यू हो रहा है। सो गाइज दैट इज इट ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू ओडा सेंसे से एक रिक्वेस्ट है कि वो रॉबिन के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ मांगा बनाए। मुझे जानना है वो इतनी सुंदर हुई कैसे।